So good morning students, today we will discuss about the uses of tense. Tense के क्या क्या प्रकार होते हैं वो हमने कल वाले वीडियो में देखा था. अभी हमने सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट टेंस पढ़ा है, फ्यूचर को हम बाद में डिस्कस करेंगे. उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे द यूजेज ऑफ टेंस की टेंस को किस किस कंडीशन में यूज किया जाता है. आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का, उनको इन कंडीशंस के आधार पर हम फिल करते हैं. हमें सेंटेंस में पहचानना होगा कि क्या कंडीशन इस सेंटेंस में दी गई है, उसके आधार पर हम उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब फिल करते हैं. तो इसी क्रम में आज सबसे पहले हम जो टेंस पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसका जो मुख्य रूप से प्रयोग होता है वो होता है इसका टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन. जितने भी आदतन कार्य होते हैं, हैबिचुअल एक्शन मतलब जिन काम को करने की हमारी हैबिट हो चुकी है, उनको बताने के लिए हम कौन से टेंस का यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. तो इसका जो पहला प्रयोग हुआ टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन. किसी भी काम को बताने के लिए एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन, किसी काम को बताने के लिए जिसकी हमारी हैबिट है उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल अगर मैं लिख दूं तो सपोज करिए मेरी कोई हैबिट है, जैसे मैं बोलूं ही टेक्स मिल्क इन द मॉर्निंग, यानी वह प्रतिदिन सुबह दूध लेता है. तो इन द मॉर्निंग, अब इन द मॉर्निंग की जगह हम यहाँ एवरी मॉर्निंग लिख दें तो ये हैबिचुअल एक्शन बन जाएगा. वह प्रतिदिन सुबह दूध लेता है, दूध पीता है, तो ये क्या होगा उसका एक हैबिचुअल एक्शन होगा कि उसकी आदत है प्रतिदिन सुबह दूध लेने की. अगर इसी तरह का मैं एक और एग्जांपल लिखूं तो हम लिख सकते हैं आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock. मैं सुबह प्रतिदिन 5 बजे उठता हूं. तो ये जो सेंटेंस है ये भी हमारी हैबिट बता रहा है कि हमारी जो डेली उठने की जो समय है वो कितना बजे है, 5 बजे का है. तो ये भी हमारे हैबिचुअल एक्शन को ही शो करता है. सेकंड जो इसका यूज करते हैं हम वो यूज करते हैं सामान्य सत्य को बताने, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ्स, सत्यों को बताने में जनरल ट्रुथ जो होते हैं उनको बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं एक ऐसा सत्य जिसको हम कभी बदल नहीं सकते हैं, जनरल ट्रुथ भी हो सकता है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी हो सकता है. यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब शाश्वत सत्य, एक ऐसा सत्य जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं द सन rises in the east, अर्थात सूर्य पूरब में उदय होता है, तो this is universal truth. अगर हम general truth की बात करें, a mother loves her child, एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, so this is the general truth. इन सत्यों में हम कभी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ या यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है. तीसरा जो इसका प्रयोग किया जाता है, जब भी हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस देखेंगे, इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर, जो किससे शुरू होते हैं, हियर या देयर से शुरू होते हैं, या तो हियर से शुरू हो या देयर से शुरू हो, और वो सेंटेंस कैसा होना चाहिए, लेकिन हमारा एक्सक्लामेटरी होना चाहिए और वहां पर ये बताया जा रहा हो कि वहां पर वास्तविकता में क्या हो रहा है. टू एक्सप्रेस व्हाट इज जनरली व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस,
इस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं हमेशा, व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट, यानी वर्तमान में क्या हो रहा है, और वो वाक्य किससे शुरू होना चाहिए, हियर या देयर से शुरू होना चाहिए, और सेंटेंस कैसा होना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी होगा, तब वो वाक्य उस कंडीशन में हम सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं, हियर कम्स द बस, यहां बस आती है, तो ये सेंटेंस क्या हुआ आपका, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ, और यहां बताया जा रहा है कि यहां पर प्रतिदिन क्या होता है, यहां बस आती है, तो दिस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर हम देयर का बनाएं सेंटेंस, तो हम लिख सकते हैं देयर शी गोस, वह वहां जाती है। तो अभी हमने तीन कंडीशन देखी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि कोई भी हैबिचुअल एक्शन हो जो हमारा डेली रूटीन होता है, उन कार्यों को बताने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने लिखा, ही टेक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग, आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, मैं प्रत्येक दिन 5 बजे उठता हूँ, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन है, जनरल ट्रुथ या यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए, जितने भी अगर साइंटिफिक फैक्ट हो या यूनिवर्सल ट्रुथ हो या जनरल ट्रुथ हो, उस कंडीशन में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के अगर आपको वाक्य दिए गए हैं और आपको ब्रैकेट में कोई वर्ब दी गई है, तो आप हमेशा ये देखेंगे नाउन कैसी है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपकी सिंगुलर है तो आप डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जोड़ देंगे। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा या इंटरोगेटिव होगा, तो हम सेंटेंस में डू या डज लगाएंगे सिंगुलर प्लूरल के अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर है तो डज लगेगा, प्लूरल है तो डू लगेगा, और अगर आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो डू नॉट या डज नॉट लिख देंगे हम इसमें, और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डज आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। थर्ड जो कंडीशन है, अगर कोई वाक्य आपको एक्सक्लेमेटरी दिया गया है, अर्थात लास्ट में विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, और सेंटेंस की पहचान क्या है, वो सेंटेंस किससे स्टार्ट होना चाहिए, हेयर या देयर से, और वो ये बता रहा है कि वर्तमान में क्या हो रहा है, तो उस कंडीशन को बताने के लिए वहां भी कौन सा टेंस आता है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसकी जो फोर्थ कंडीशन है वो हम पढ़ेंगे अभी, फोर्थ जो है, टू इंडिकेट ए फ्यूचर इवेंट, भविष्य में होने वाली कोई घटना, दैट इज ए पार्ट ऑफ ए फिक्स्ड प्रोग्राम, यानी जो एक निश्चित कार्यक्रम का हिस्सा है, और वह भविष्य में होने वाली कोई घटना है, और टाइम टेबल या उसका कोई निश्चित टाइम टेबल दिया गया है, तो उस कंडीशन में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोल दूं कि वह अगले महीने रिटायर होने वाला है, तो ही रिटायर्स नेक्स्ट मंथ। अब देखिए यहां पर कंडीशन फॉलो हो रही है, मैंने आपको क्या बताया, टू इंडिकेट ए फ्यूचर इवेंट, रिटायर कब होंगे, अगले महीने में, ठीक है, दैट इज ए पार्ट ऑफ फिक्स प्रोग्राम। अब क्या फिक्स ऑलरेडी है, भविष्य होने वाला, लेकिन एक फिक्स प्रोग्राम का एक पार्ट है, तो फिक्स प्रोग्राम का अगर कोई पार्ट है, फ्यूचर इवेंट होने वाला है, उस कंडीशन में हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका एक और एग्जांपल हम समझ सकते हैं, द ट्रेन लीव्स एट 5:30 PM, ट्रेन कितने बजे जाती है, 5:30 पर जाती है, तो इस कंडीशन में भी हम क्या यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें, दिस टेंस इज आल्सो यूज्ड टू इंडिकेट कोटेशंस, अगर आपको कोटेशंस दी गई हो, तो जो कोटेशंस हम लिखते हैं
वो हमेशा कौन से टेंस में होती है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है. फॉर एग्जाम्पल कीट्स सेज, जॉन कीट्स एक फेमस पोएट थे, तो कीट्स सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर. यानी एक वस्तु की जो सुंदरता होती है वो हमेशा के लिए आनंददायक होती है. यह एक कोटेशन है और ये किसके द्वारा कहा गया है, कौन कहता है? जॉन कीट्स. तो जितने भी अगर हम किसी कोटेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस कंडीशन में भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है. अगर किसी भी मैच की रनिंग कमेंट्री चल रही है तो रनिंग कमेंट्री को बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? सिक्स कंडीशन है आपकी, फोर रनिंग कमेंट्री ऑफ मैच. रनिंग कमेंट्री मैच की बताने के लिए भी हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं. तो इस कंडीशन में भी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग जाता है. सातवीं जो कंडीशन है, फोर न्यूज हेडलाइंस. समाचार पत्र में जो न्यूज हेडलाइंस आती है वो हमेशा आप देखना हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई आएंगी. तो जब भी किसी भी न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होंगी उस कंडीशन में भी हमेशा कौन सा प्रयोग टेंस का प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है. और इसका जो लास्ट यूज है वो हम देखते हैं. तो लास्ट जो यूज होगा, इट इज यूज इंस्टीड ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस इन क्लोजेज ऑफ टाइम एंड तो टाइम और क्लोजेज ऑफ टाइम या क्लोजेज ऑफ कंडीशन हो तो सिंपल फ्यूचर वाला टेंस की जगह हम किसका प्रयोग करते हैं? हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. जैसे कि एग्जांपल अगर हम देखें, इफ इट रेन्स वी शैल गेट, इफ इट रेन्स ही कंडीशन है, अगर बरसात होती है देन वी शैल गेट वेट. तो हम गीले हो जाएंगे, अगर बरसात होती है तो उस कंडीशन में हम क्या हो जाएंगे? गीले होंगे. तो ये जो आपका कंडीशनल जो सेंटेंस है उसमें एक तरफ तो आपको प्रेजेंट टेंस है और दूसरी तरफ किसका यूज किया हमने? फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया है. तो अगर क्लोजेज ऑफ टाइम और कंडीशन आपको दिया गया है तो उस कंडीशन में भी हम किसका प्रयोग करेंगे? हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे. तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम किस किस कंडीशन में करते हैं. सबसे पहले हम यूज करते हैं, इट इज यूज टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस. सेकंड, इट इज यूज टू एक्सप्रेस जनरल और साइंटिफिक ट्रुथ और यूनिवर्सल ट्रुथ. थर्ड जो कंडीशन हमने पढ़ी कि वे सभी एक्सक्लेमेटरी वाक्य जो हियर या देयर से शुरू होते हैं. तो जो वाक्य हियर या देयर से शुरू होंगे और जिनके लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया गया हो और उसमें बताया गया कि वर्तमान में क्या होता है प्रतिदिन, तो उस कंडीशन में भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं. फोर्थ कंडीशन हमने पढ़ी, कोई भी फ्यूचर इवेंट जो फिक्स्ड टाइम टेबल का या फिक्स्ड प्रोग्राम का हिस्सा है उस कंडीशन को बताने के लिए भी हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं. फिफ्थ आपकी जो कंडीशन है, दिस टेंस इज ऑल्सो यूज टू इंडिकेट कोटेशंस. जब भी हमें कोटेशंस को इंट्रोड्यूस कराना है किसी भी महान व्यक्ति के द्वारा या मोटिवेशनल व्यक्ति के द्वारा कही गई कोई बात, उसको अगर हमें इंट्रोड्यूस करना है तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है. नेक्स्ट जो कंडीशन है, फॉर मैच रनिंग कॉमेंट्री ऑफ ए मैच, किसी भी मैच की रनिंग कॉमेंट्री या न्यूज पेपर की हेडलाइंस, इन सबको भी हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं. और लास्ट, इट इज यूज इन सिंपल फ्यूचर टेंस. अगर कोई हमारा क्लोजेज ऑफ टाइम और कंडीशन का सेंटेंस दिया गया है तो वहां पर हम सिंपल प्रेजेंट के साथ फ्यूचर टेंस का प्रयोग करते हैं. तो अब हम जो पढ़ेंगे सेकंड जो नेक्स्ट टेंस है वो हमारा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कंडीशन को देखते हैं.
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्तमान, और कंटिन्यूअस का मतलब जो वर्तमान में कंटिन्यू है, दैट इज गोइंग प्रोसेसिंग प्रोग्रेसिंग, जो काम अभी चल रहा है। अब इस कंडीशन में हम दो तरह की बातें कर सकते हैं। देखिए, दो तरह की कंटिन्यूटी रहती है। एक तो ऐसा काम जो हमारे कहते समय जारी हो। सपोज करिए, इफ आई एम सेइंग दैट आई एम टीचिंग नाउ, कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, कंटिन्यूटी में प्रोग्रेसिंग, गोइंग ऑन, मेरा जो काम है अभी जारी है। और एक मैं बोलूँ, आजकल मैं या इन दिनों मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, सो आई एम रीडिंग रामायण नाउ इट इज, इन दिनों में मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। यानी एक तो ऐसा काम जो आपके कहते समय जारी हो, और एक ऐसा काम जो आपके कहते समय जारी तो नहीं है, लेकिन आपका एक डेली रूटीन है कि आप एक टाइम पे उसको डेली करते कर रहे हैं। तो दोनों कंडीशन देखिए, कि एक तो ऐसा काम जो आपके बोलते समय जारी है, और दूसरा दैट इज ऑन प्रोग्रेसिंग, मतलब आपका एक टाइम आपने फिक्स किया हुआ है, उस टाइम में उस काम को आप डेली कर रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशन में हम कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है, अगर हम वो देखें, तो फर्स्ट कंडीशन में आएगा द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फर्स्ट कंडीशन है वो भी फॉर एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी एक ऐसा काम जो आपके बोलते समय भी जारी हो, उस कंडीशन में हम हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज सिंगिंग नाउ, तो नाउ ये अभी हमें पता है कि वो गा रही है, तो हमारे बोलते समय ही हमने देखा कि सामने ए गर्ल इज स्टैंडिंग एंड शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो वह अभी गा रही है। जब हम बोल रहे हैं तब उसका जो काम है वो कंटिन्यूटी प्रोग्रेसिंग है। तो अब उस कंडीशन में हम कौन सा टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या लगती है आपकी, इज, एम और आर। इसका प्रयोग कहां करते हैं हम, ही, शी, इट के साथ, एम का प्रयोग आई के साथ, और आर का प्रयोग यू, वी और दे के साथ। तो यू, वी, दे की कंडीशन में हम आर का प्रयोग करते हैं, एम के साथ आई का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ ही, शी, इट का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, अगर आपको टेंस अगर आया है यहाँ पर शी आया, तो हमने शी के साथ क्या लगाया, इज, और वर्ब की मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का प्रयोग करते हैं। इसी में हम एक एग्जांपल और देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द बॉयज आर प्लेइंग हॉकी, द बॉयज, अब बॉयज क्या है, बहुत सारे हैं, प्लूरल है, इसलिए हम इसमें यूज करेंगे आर, प्ले के साथ आई एन जी लगेगा, प्लेइंग हॉकी। यानी आपके बोलते समय वो क्रिया क्या है, जारी है, चल रही है, तो उस कंडीशन में हमने इसका यूज किया। सेकंड कंडीशन जो है इसकी, वो लिखेंगे फॉर ए टेम्परेरी एक्शन विच मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी जो आपके बोलते समय जो क्रिया जारी नहीं हो, उस कंडीशन में भी मैंने आपको बताया था कि हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू सिनेमा टू नाइट, आज रात को मैं सिनेमा देखने जा रहा हूं। या फिर हम लिख सकते हैं, माई अंकल इज अराइविंग टुमारो, कल मेरे अंकल आ रहे हैं। दोबारा हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, सॉरी,
एक ऐसा टेम्पररी एक्शन जो आपके बोलते समय जारी नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं आई एम रीडिंग रामायण नाउ इट इज, इन दिनों में मैं क्या पढ़ रहा हूं, रामायण पढ़ रहा हूं, तो ये आपके बोलते एक टेम्पररी एक्शन है जो आपके बोलते समय जारी नहीं है लेकिन आपने इसका एक टाइम फिक्स किया हुआ है, उस समय आप इसे पढ़ रहे हैं। अब हम इसकी थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड जो इसकी कंडीशन है, एक ऐसा काम जो आपने पहले से प्लान किया हुआ है या अरेंज किया हुआ है लेकिन जो आप नियरेस्ट फ्यूचर में उसे करने वाले हैं, यानी आपने कोई टाइम निश्चित कर रखा है फ्यूचरिस्टिक टाइम और वो आप काम करने जा रहे हैं तो, और उसका टाइम टेबल आपका बिल्कुल फिक्स है, तो ऐसे काम को बताने के लिए भी हमेशा कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसका रूल, फॉर एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन, दैट इज प्लान्ड और अरेंज्ड, दैट इज प्लान्ड और अरेंज्ड टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, जो निकट भविष्य में, ऐसा कोई कार्य जो निकट भविष्य में होने वाला है उसके लिए आपने प्लानिंग कर रखी है या अरेंजमेंट किया हुआ है, ऐसे कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम लिखेंगे आई एम गोइंग टू दिल्ली टू नाइट, आज रात को मैं दिल्ली जा रहा हूं, या माई अंकल इज अराइविंग टुमोरो। तो ये दोनों ही कंडीशन में आपका एक प्लान्ड या अरेंज प्रोग्राम है जो निकट भविष्य में होने वाला, निकट भविष्य मतलब जैसे आज रात को आप कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, आपके अंकल कल यहाँ आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी हमने किसका प्रयोग किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया। तो आगे जो कुछ वर्ब्स दी गई हैं जिनको मीनिंग के आधार पर हम नॉर्मली कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, कुछ फिक्स्ड वर्ब्स हैं जिनको हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, अगर उसे हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करते हैं तो उसका चेंज्ड मीनिंग के आधार पर अलग वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन इन वर्ड को हम कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, केवल ये वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में ही यूज होती है। जैसे कि पहला आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन वाली वर्ब है जैसे सी hear, smell, recognize. Second है verbs of appearing. Verbs of appearing वाली appear, look या see. Verbs of emotions वाली जो verb है want, wish, desire, feel, like, love, hate, hope या refuse. इसके बाद जो verbs of thinking है जैसे think, suppose, believe, agree, remember, forget. और possession वाली जो verb है जैसे own, possess, belong to, contain, consist to, consist of या be, इनको हमेशा हम सिर्फ पैसिव फॉर्म में कंटिन्यूस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इन वर्ब को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। अगर इन्हें हम कंटिन्यूस फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमको चेंज मीनिंग के साथ यूज किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया आई एम थिंकिंग ऑफ, तो ये आई एम थिंकिंग ऑफ नहीं आएगा, यहाँ आएगा आई एम कंसिडरिंग द आइडिया ऑफ गोइंग टू अमेरिका, मैं सोच रहा हूं अमेरिका जाने की, तो थिंकिंग नहीं आता यहाँ पर। मिस्टर सिंह इज माइंडिंग, यहाँ पर लिखा है मिस्टर सिंह इज माइंडिंग की जगह मिस्टर सिंह इज लुकिंग आफ्टर द बेबी व्हाइल हिज वाइफ इज आउट शॉपिंग। तो ये कुछ निश्चित वर्ब दी गई हैं जिनको हम कभी भी कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, इनको प्रेजेंट फॉर्म में यूज किया जाता है। अगर कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करेंगे तो चेंज्ड वर्ड यूज, चेंज्ड मीनिंग के आधार पर उसका एक अलग वर्ड यूज करके ही हम उन्हें कंटिन्यूस फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जो इसका सिमिलर वर्ड होगा वो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन इन वर्ड को हम कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हमने पढ़ा कि इनको किस किस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं। अभी हम आगे अगली वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इस प्रेजेंट इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस टेंस में कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी ऑन माई पर्सनल नंबर
Till then, thank you very much.